मैं हूं आपका मेज़बान वकार हुसैन। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। कैनेडियन वज़ीर आज़म की रूसी सदर के रिज़र्व फ़ौज बढ़ाने के बयान की मज़म्मत। ट्रूडो का कहना था कि प्यूटिन के तर्ज अमल से पता चलता है कि वो नाकाम हो रहे हैं। वज़ीर दिफा का कहना था कि यूक्रेन की फ़ौजी इमदाद को जारी रखेंगे। समंदरी तूफान फियोना जोर पकड़ने लगा। तूफान से अटलांटिक कनाडा के इलाके मुतासिर होने का खदशा। समंदरी तूफान के सबब 200 किलोमीटर फी घंटा की हवाएं चलने का इम्कान। GTA में एक कातलाना हमले में हलाक होने वाले पुलिस अहलकार की आखिरी रसूमात। आखिरी रसूमात में मुल्क की अहम शख्सियात की शिरकत। रूसी सदर प्यूटिन का यूक्रेन के महाज पर इजाफी फौज तलब करने का फैसला। मगरिब का मुकाबला करने के लिए हमारे पास बहुत से हथियार हैं। रूस की धमकी, प्यूटिन के ऐलान पर चीन का अहम मुतालबा। पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, उससे मदद की ज़रूरत है। अमरीकी सदर का कहना था कि माहौलियाती तब्दीली की कीमत इंसानियत को चुकाना पड़ रही है, जिसके लिए तमाम ममालिक को मिलकर इकदाम करने होंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने रूसी सदर के यूक्रेन के खिलाफ जंग में लाखों रूसी रिजर्व फौजियों को मुतहर्रिक करने के फैसले की मज़म्मत की है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन के ख़िलाफ़ अपनी जंग में लाखों रूसी रिजर्व फौजियों को मुतहरक करने के फैसले की मज़म्मत करते हुए गैर कानूनी हमले के खिलाफ कनाडा की हिमायत जारी रखने का अज़म किया। उनका कहना था कि पुतिन का तर्ज अमल सिर्फ ये जाहिर करता है कि यूक्रेन पर इसका हमला नाकाम हो रहा है। पुतिन ने बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ तरीक़ों से गलत हिसाब लगाया है। पुतिन गलत था और वो इस वक्त सूरत हाल पर अपने रद्द अमल में नाकाम और नाकाम हो रहे हैं। ट्रूडो के बयान ने कनाडा के कानून साजों की तरफ से पुतिन के जज्वी तौर पर मुतहरक होने के ऐलान की ताज़ा तरीन मज़म्मत की है। दूसरी जंग अजीम के बाद रूस में इस तरह की पहली हरकत है। कनाडा के वजीर दिफा अनीता आनंद ने अपने ट्वीट में कहा कि कनाडा यूक्रेन को जंग के साथ साथ जामा फौजी इमदाद फराहम करता रहेगा। ऑटावा में गुफ्तगू करते हुए नायब वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने सहाफियों को बताया कि अब वक्त आ गया है कि कनाडा यूक्रेन के लिए अपनी हिमायत को दुगना कर दे, क्योंकि उसकी अफवाज रूसी फौजियों को मकबूजा इलाकों से बाहर निकाल रही हैं और मैदान जंग में जीती दिखाई देती हैं। मुझे लगता है कि हम यूक्रेन पर रूस के गैर कानूनी हमले में एक अहम मोड़ पर हो सकते हैं। समंदरी तूफान फियोना जोर पकड़ रहा है। तूफान की पेशगोई करने वाले अब इस हफ्ते के आखिर में अटलांटिक कनाडा पर मुमकिन तौर पर शदीद असरात का इंतबाह दे रहे हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। समंदरी तूफान फियोना ने जोर पकड़ना जारी रखा है, क्योंकि ये शुमाल की तरफ मुड़ रहा है और तूफान की पेशन गोई करने वाले अब इस हफ्ते के आखिर में अटलांटिक कनाडा पर मुमकिन तौर पर शदीद असरात का इंतबाह दे रहे हैं। नोवा स्कॉटिया, न्यूफाउंडलैंड, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और न्यू बंसविक के मशरकी हिस्सों के लिए अब ट्रॉपिकल साइक्लोन का बयान जारी किया गया है। 4 कैटेगरी समंदरी तूफान के सबब 200 किलोमीटर फी घंटा की हवाएं चलने का इम्कान है। तवक्को है ये तूफान जुमे को बहरे ओकियानूस कनाडा पर असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा और हफ्ते के आखिर तक जारी रहेगा। मौसमियात के माहिरीन तवक्को करते हैं कि कनाडा के साहिलों तक पहुँचने तक इसे पोस्ट ट्रॉपिकल तूफान में घटा दिया जाएगा, लेकिन एनवायरनमेंट कनाडा ने शदीद और नुकसानदेह हवा के झोंकों, बहुत ऊंची लहरों और साहिली तूफान में इजाफे और तूफानी बारिशों से खबरदार किया है। मौसमियाती एजेंसी की जानिब से नोवा स्कॉटिया, न्यूफाउंडलैंड, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और न्यू बंसविक के रिहायशियों को मशवरा दिया जा रहा है कि वह हंगामे किट्स तैयार करें और जल्द अज जल्द किसी भी ज़रूरी घरेलू तैयारी को मुकम्मल करें। एनवायरनमेंट कनाडा तजवीज़ करता है कि हर घर में 72 घंटे तक काफ़ी खुराक और पानी मौजूद हो
और रिहायशियों को ये यकीनी बनाना चाहिए कि अगर उनके पास लैंड लाइन नहीं है तो उनके पास सेल फोन चार्ज करने का तरीका मौजूद हो। दूसरी जानिब कनाडा के सूबे ऑन्टेरियो के मुतादिद इलाके बुध की सुपहर शदीद तूफानी बारिश की जद में थे, जबकि एनवायरमेंट कनाडा ने केस आइस के ओलों की वार्निंग दी थी। सूबे के मुतादिद इलाकों की खसूसी वेदर वॉचेस जारी की गईं, जबकि माहरीन मौसमियात का कहना था कि ग्रेटर टोरंटो एरिया के लिए शदीद तूफान का इम्कान मौजूद है। जी टी ए में एक कातलाना हमले में हलाक होने वाले पुलिस अहलकार की आखिरी रसूमात में मुल्क की आम शख्सियात समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की, इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। जी टी ए में एक कातलाना हमले में हलाक होने वाले पुलिस अहलकार की आखिरी रसूमात में मुल्क की अहम शख्सियात समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। कांस्टेबल एंड्रयू हंग को उनकी आखिरी रसूमात में एक मेहरबान और सरशार अवामी मुलाजिम के तौर पर सराहा गया, जो अपने घर और काम करने वाले ख़ानदानों से शदीद मोहब्बत करता था और उनसे मिलने वाले तमाम लोगों को अपना बना लेता था। पुलिस अहलकार के अहले खाना, मौजज़ीन, अफसरान और इलाके के हज़ारों अफराद ने हॉन्ग की आखिरी रसूमात में शिरकत की। टोरंटो का 48 साल पुलिस अफसर, जो गुज़िश्ता हफ्ते मिसिसागा की एक कॉफ़ी शॉप के अंदर घात लगाकर किए गए हमले में हलाक हो गया था, हॉन्ग की आखिरी रसूमात में हुकूमत की तमाम सतहों के नुमाइंदे शामिल थे, जिनमें सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड, मेयर जॉन टोरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलिजाबेथ डॉटसेल, हंगामी तैयारी के वजीर और टोरंटो के साबिक पुलिस चीफ बिल ब्लेयर और पब्लिक सेफ्टी के वजीर मार्को मैंडीचिनो शामिल थे। टोरंटो कांग्रेस सेंटर में जमा हजारों लोगों के हजूम से खिताब करते हुए जहां जनाजा अदा किया गया, हॉन्ग की बेवा जेनी ने कहा कि उनके शोहर की जिंदगी में दो अजीम मोहब्बतें TPS और उनका खानदान था। अफसरान और मौजज़ीन की एक परेड हॉन्ग को खराज तहसीन पेश करने के लिए कतार में खड़ी थी, जिसे एक सरशार पुलिस अहलकार के तौर पर सराहा गया। हॉन्ग उन तीन अफराद में से एक था जिनको 12 सितंबर को GTA में शूटिंग के दौरान एक बंदूक बरदार ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के बाद चीन ने बातचीत के जरिए जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने महाज पर इजाफी 3 लाख फौज तलब करने का बड़ा फैसला कर लिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के बाद चीन ने बातचीत के जरिए जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने महाज पर इजाफी 3 लाख फौज तलब करने का बड़ा फैसला कर लिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को धमकी दी है कि हमारे पास किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए बहुत से हथियार हैं। सरकारी टेलीविजन पर कौम से खिताब में रूसी सदर पुतिन ने रूसी अफवाज को मुतहरिक रहने का हुक्म देते हुए कहा कि मगरबी ममालिक रूस के खिलाफ न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में अपनी हदों से आगे बढ़ गए। सदर पुतिन ने मगरबी ममालिक को मुखातिब करते हुए खबरदार किया कि रूस अपनी सरजमीन और अपने लोगों के दिफा के लिए तमाम वसायल इस्तेमाल करेगा। हमारे पास मगरबी जहरियत का जवाब देने के लिए बहुत हथियार हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इल्ज़ाम आयद किया कि मगरबी ममालिक ने यूक्रेन को जंग में धकेला, जबकि रूस का मकसद डोंबास को आज़ाद कराना है। मगरब यूक्रेन और रूस के दरमियान अमन नहीं चाहता और रूस यूक्रेन के अलहदगी पसंद इलाकों के लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता। दूसरी जानिब चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान वांग वैन बिन ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम मुतालिका फरीकों से बातचीत और मशावरत के जरिए जंगबंदी का मुतालबा करते हैं और ऐसा हल तलाश करने पर जोर देते हैं जो तमाम फरीकों की सलामती के जायज़ खदशात को जल्द अज जल्द ख़त्म करे। अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास में तकरीर करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि पाकिस्तान को सैलाब की वजह से मुश्किलात का सामना है, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत सा हिस्सा ज़ेर आब है जिसके लिए इस मुल्क की मदद करने की ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि पाकिस्तान का बहुत सा हिस्सा सैलाब के पानी में डूबा हुआ है, जिसके लिए उसे दुनिया की मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों के असरात का सामना है। अफसोसनाक बात यह है कि माहौलियाती तब्दीली की कीमत इंसानियत को चुकाना पड़ रही है, जिसके लिए तमाम ममालिक को मिलकर इकदाम करना होंगे। अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास में तकरीर करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि पाकिस्तान को सैलाब की वजह से मुश्किलात का सामना है, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत सा हिस्सा जेरे आब है, जिसके लिए उस मुल्क को मदद की ज़रूरत है। जो बाइडेन का कहना था कि अमेरिका यूक्रेन जंग का खात्मा चाहता है, रूस की जहरियत के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़े हैं। जंग एक शख्स का फैसला था जिसमें इंसानी जानों का ज़िया जबकि बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मौशी बेहतरी के लिए हमें इकदाम करने की ज़रूरत है। साइबर सिक्योरिटी आज के दौर का अहम मसला है। तमाम ममालिक को याद रखना चाहिए कि जौहरी जंग को जीता नहीं जा सकता। टैक टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।
back to you.